सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका बछेंद्री पाल हैं, जो कि सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम एवरेस्ट पे कदम रखा। इन्होंने इस पाठ में अपने यात्रा का वर्णन किया है कि किस तरह से जो है संस्मरण विधा के माध्यम से यह पाठ लिखा गया है। अनेक रोचक तथ्य को बताते हुए लेखिका ने पाठ का प्रारंभ किया है। बछेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में पंपा गांव में सन 24 मई सन 1954 को हुआ था। बछेंद्री की मां का नाम हंसा देई नेगी और पिता का नाम किशन सिंह पाल था। यह अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण पिताजी ने इनकी पढ़ाई के खर्चा उठाने से मना कर दिया, असमर्थता जता दी, तो बछेंद्री पाल ने स्वयं 8वीं से आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम करके अपनी पढ़ाई प्रारंभ रखी। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बछेंद्री पाल के प्रिंसिपल ने इनके पिता को आगे पढ़ने के लिए बछेंद्री पाल को और आगे पढ़ाया जाए इसके लिए प्रेरित किया। बछेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत भाषा से MA और फिर BEd की शिक्षा हासिल की और अपने लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव से इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का बचपन से ही चाव था। वह बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ती थी। इनके जो बड़े भाई थे इन्हें मना किया करते थे कि पहाड़ पर मत चढ़ो, तुम लड़की हो, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग सकती है, इसलिए पहाड़ों पर इनको नहीं चढ़ने दिया जाता था। परंतु इनसे छोटा भाई जो था 6 साल का, उसे इनके बड़े भाई बार बार चढ़ने के लिए उकसाते रहते थे। यह बात बछेंद्री पाल को बहुत बुरा लगती थी, अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन से ही पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊँचाई वाले गाँव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक गाँव में, जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़कर के 5 से 6 किलोमीटर तक की चढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जो बचपन का शौक था वह धीरे धीरे पूरा होने लगता था। इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। बछेंद्री पाल को इस अभियान दल में शामिल किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अथक प्रयास, अथक अभ्यास के बाद वह दिन आखिर आई गया जब एवरेस्ट विजय के लिए प्रस्थान करना था। बछेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वत यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया, अर्थात खुद ही। साहित्य का ज्ञान था, संस्कृत से MA BEd की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो साहित्य का भी इतना ज्ञान था कि अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन स्वयं कर सकें। तो कलमबद्ध स्वयं इन्होंने किया अपनी इस यात्रा का। प्रस्तुत अंश इसी विवरण से लिया गया है। यह लोहमसर्तक अंश बछेंद्री के इस अंतिम पड़ाव के शिखर तक पहुँचकर तिरंगा लहराने के पल का ब्यौरा बखान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च। लेखिका अपने बचपन के विषय में बता रहे हैं कि किस तरह से जो है पाठ प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा जो लोगों की सोच है कि यह लड़की है पढ़ के क्या करेगी, जैसा कि बछेंद्री पाल के बड़े भाई ने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया करते थे कि नहीं यह तो लड़की है इसको पहाड़ों पर नहीं चढ़ना है, मना करते थे, बल्कि इनसे छोटे भाई को बार बार पहाड़ों पर चढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। समाज में ऐसे सोच के लोग बहुत थे पहले,
पर धीरे धीरे परिस्थितियाँ भिन्न होती गई। आज हम देखते हैं कि सब सामान्य हो गया है, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता है, जो काम लड़के करते हैं वो काम लड़कियां भी कर लेती हैं। देश को मान सम्मान, देश को विकसित देश राष्ट्र के श्रेणी में लाने के लिए जितना योगदान युवकों का है, उतना ही योगदान युवतियों का भी है। कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए इस देश को, इस राष्ट्र को विश्व के मानचित्र पर एक स्थान दिलाने में महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह सारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बता रहे लेखक कि एवरेस्ट का जो इनका अभियान दल था वह 7 मार्च को ही रवाना हो गया था, और इनसे पहले एक दल भेज दिया गया था जो वहाँ पे बर्फ़ गिरा हो, रास्ते में जो हिमपात हुआ है, बर्फ़ का पहाड़ गिरा है, उसे साफ करके रास्ता बनाया जा सके। नमची बाज़ार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांव में होते हैं। यह नमची बाज़ार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। लेखिका बता रही है कि जब वह काठमांडू के लिए पहुंची काठमांडू, तो उन्होंने नमचे बाज़ार नामक एक स्थान पे, जहाँ पे शेरपा लैंड की प्रमुख जातियाँ पाई जाती हैं, अधिकांश शेरपा इसी आसपास के इलाकों में रहते हैं, वहाँ से सर्वप्रथम लेखिका ने एवरेस्ट को देखा। नेपाली लोग एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। यह नाम लेखिका को अच्छा लगा। सागर माथा इसलिए कहते हैं क्योंकि सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या समुद्र का माथा। एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का मस्तक है, माथा सा प्रतीत होता है, इसलिए लेखिका को सागर माथा नाम बहुत ही अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा पुल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि अदृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर तथा उससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। आगे बता रही है लेखिका कि जो बर्फ का बहुत बड़ा फूल की तरह इनको लग रहा था, वह ध्वज इनको फूल के समान प्रतीत हो रहा था। जब हवाएं उच्च शिखर पे बहुत तीव्र गति से चलती हैं, तो बर्फ़ जो है भुरभुरी हो जाती है, और वह बड़े बड़े पिंड के आकार में, क्योंकि वह जब भुरभुरी हो जाती हैं तो उनका वजन कम होता है और वह उड़ती रहती हैं हवा में। उनका उड़ना जो लगभग 150 किलोमीटर या उससे अधिक तीव्र गति से हवा चलने के कारण होता था, वह बर्फ़ का जो ध्वज था 10 किलोमीटर या उससे लंबा भी हो सकता था, हवा में उड़ते हुए वह लहराता था। जब उन्होंने पहली बार उस प्लूम को देखा, बर्फ के बहुत बड़े गोले को देखा, तो वह एक झंडे के समान, एक ध्वज के समान इनको प्रतीत हो रहा था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और उसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। आगे बता रहे हैं कि जो यह बातें थीं, जब मौसम ख़राब होता था तो हवाओं का मार बहुत ज़्यादा सहना पड़ता था। यह सारी बातें लेखिका को जब पता हुई तो यह काफ़ी था डरने के लिए इनको। लेखिका इन बातों को सुनकर काफ़ी डरी थी, लेकिन बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था, मन में इरादे मजबूत थे, यानी कि जो हमें अपना दृढ़ संकल्प मजबूत करना चाहिए। कोई भी काम हम करें, छोटा काम हो बड़ा काम हो, अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, उद्देश्य हमारा स्पष्ट है कि नहीं, इस कार्य को मुझे करना है, तो निश्चित रूप से उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुए एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्ब हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहित्से की एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। आगे बता रही, जैसे यात्रा प्रारंभ हुई और जब यह बैरिज पहुंची तो
वहाँ पे इन्होंने जाके इनको किसी ने जानकारी दी कि आज जो है जो बेस कैंप के लिए जो शेरपा कुली गए थे, लोस्ते की पहाड़ियों से बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिरा और उन 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई है और 4 घायल हो गए हैं। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल कुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकारनी चाहिए। जैसे ही यह समाचार इनके अभियान दल के सदस्यों को पता चला, सबके चेहरे पर अवसाद, तनाव, चिंता का भाव छा गया। इसे देख करके जो इनके नेता थे कर्नल फुल्लर जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे पर्वत पे इतनी बड़ी महान अभियान पे आप प्रस्थान कर रहे हो तो इसमें मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अर्थात इतना बड़ा अभियान है तो पल पल, रास्ते रास्ते, जगह जगह खतरे मिलते रहेंगे। इन खतरों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने बेस कैंप जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। जो दूसरे दल के नेता थे प्रेमचंद, उन्होंने बताया कि 26 मार्च को पेरिस पहुँचे और उनके दल को बताया कि हमने जो है जो सबसे बड़ी बाधा थी खुम्बू हिमपात, वहाँ का हमने वहाँ तक का रास्ता हमने साफ कर लिया है और रस्सियाँ बांध के, पुल बांध के तथा झंडियाँ जगह जगह लगाकर निशान बना दिए गए हैं, पर अभी भी बर्फ़ का पिघलना जारी है, अभी भी बर्फ़ गिर रहा है हिमपात, यानी कि बर्फ़ का अव्यवस्थित तरीके से गिरना, ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ में प्रायः हलचल हो जाती है और जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिरने लगती हैं और प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। कभी कभी तो बड़ी बड़ी चट्टानें जब गिरती हैं तो ज़मीन पर दरार भी पड़ जाती हैं, गहरे गहरे हिमविदर भी उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि कई पर्वतारोहियों की जान भी चली जाती है। ये सारी बातें उन्होंने बताया और कहा कि हमने ये सब जो काम किया है, हो सकता है कि यह काम हमें दोबारा फिर से करना पड़े। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पर पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोत्से और नुत्ते की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। जब बेस कैंप पर ये लोग पहुँचे तो वहाँ पर एक और शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। जो रसोइया था, जो खाना बनाने का काम करता था, जलवायु अनुकूल नहीं था, इसलिए जो है वह अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल सका और उसकी मृत्यु हो गई। अब तक की 2 घटनाओं को देख करके लेखक ने निश्चय किया कि यह आशाजनक स्थिति नहीं है। देखो, हम छोटी छोटी बाधाओं से परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो अपने मार्ग पे अडिग रहते हैं वो इन बाधाओं का सामना करते हैं। जैसे नदी बहती है तो क्या होता है, बीच में बड़े बड़े पहाड़ आते हैं तो नदी या तो उनको गिराती है या वहाँ से बीच से रास्ता बना के निकल जाती है, परवाह नहीं करती है। मुश्किलों का, बाधाओं का परवाह न करके आगे बढ़ना ही ज़्यादा समझदारी का काम है। जैसा कि लेखिका ने देखा कि अब तक की स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इरादा पक्का किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। बता रहे हैं कि एवरेस्ट पर्वत को इन्होंने 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप से जब एवरेस्ट को देखा, उसकी अन्य श्रेणियों को देखा, तो लेखिका भौचक्की रह गई।
बाउचक्की इसलिए रह गई क्योंकि नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेक्का को एवरेस्ट पर्वत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बर्फ़ की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं पहाड़ों के बीच से, यह दृश्य लेक्का को बहुत ही आकर्षक लगा, इसलिए लेक्का इन्हें देख करके भौचक्की रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती थी और अन्य कारणों से भी ऐसा उत्पन्न हो जाता था। बताया गया कि जो हिमपात है गिरता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ग्लेशियर पिघलता है बट पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और जब पानी होता है तो बर्फ़ के नीचे हलचल उत्पन्न होती है और बड़े बड़े चट्टानें अव्यवस्थित तरीके से नीचे गिर पड़ती हैं, कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लेक्का बता रही हैं कि बेस कैंप के बाद दूसरे दिन आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के रास्ते आधे तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों में हमें विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता जो है इनके दल की तकनीकी जानकारी देने वाली थी, जिन्होंने अस्थायी पुलों का निर्माण और रस्सियों से आड़ी मेढ़ी तिरछी दीवारों का निर्माण करना, बांधना इत्यादि की जानकारी दे करके समझाया कि किस तरह से इस कठिन दुर्गम रास्ते में, बर्फ भरे रास्ते में हमको आगे कैसे जाना है, कैसे अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी थी जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम दो महिलाएं थीं। आगे बता रहे हैं कि तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक का सामान ढोकर के ले जाना और चढ़ाई का अभ्यास करना, इनके साथ रीता, गोबू ये सब लोग चढ़ाई कर रहे थे। वॉकी टॉकी के माध्यम से इन्होंने अपने नेता कर्नल खुल्लर को बताया कि हम लोग सकुशल जो है बेस कैंप एक तक पहुंच गए हैं। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, अब तक बेस एक पर पहुंचने वाली यही दो महिलाएं थीं। अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल से को 7900 मीटर पर उन्होंने बेस कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। आगे बता रहे हैं कि जो अंग दोरजी थे, लोपसांग और गगन बिस्सा, ये लोग साउथ कोल कैंप तक पहुंच गए और वहां पे 29 अप्रैल को 7900 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 लगाया गया। कैंप 4 कहाँ लगाया गया था? 7900 मीटर की ऊंचाई वाले साउथ कोल पर लगाया गया था। ऐसी प्रगति एक आशाजनक प्रगति थी, संतोषजनक प्रगति थी। लेक्का को लगा कि यह जो काम हो रहा है वह काफ़ी अच्छा काम है, क्योंकि अब तक तो जो है दो पुलियों के मृत्यु और घायल होने से इन लोगों को बहुत डर लगा था, पर अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सफलता प्राप्त होती जा रही है, तो यह एक सार्थक कदम था। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपने सबसे छोटी पुत्री डेगी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्होंने 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। लेक्का बता रहे हैं जब बेस कैंप पे पहुंची अप्रैल में तो तेंजिंग के बारे में बता रहे हैं कि वह जो है सन 1935 में तेंजिंग शेरपा को 19 वर्ष की अवस्था में एरिक शिप्टन के साथ पहली बार एवरेस्ट अभियान पर जाने का अवसर मिला था।
इस अभियान का उद्देश्य चोटी तक पहुंचना नहीं बल्कि रस्सी का प्रयोग करके ग्लेशियर के बीच रास्ता खोजना था। और इस तरह से जो है तेंजिंग शेरपा ने एवरेस्ट पर चढ़ने का कार्य किया था, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने का कार्य किया था। तो वो इनसे मिलने आए थे बेस कैंप पे, सबसे मिले, सबसे बातें की। इनके साथ उनकी सबसे छोटी पुत्री डेगी भी थी। जब सबसे बातें किए, जब लेखिका का नंबर आया तो लेखिका ने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया पर्वतारोही हूँ, मैंने अभी इसके पहले कभी किसी पर्वत अभियान में भाग नहीं लिया है। तेंजिंग ने हंसते हुए उनका उत्साह बढ़ाया और कहा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर व्यक्ति उसके लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने भी 7 बार के प्रयास में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा, मैं 7 बार प्रयास किया तब जा करके एवरेस्ट जैसे महान पर्वत शिखर पर पहुंचा हूं। तो तुम्हें भी प्रयास करना चाहिए, हौसला बढ़ाया उन्होंने लेखिका का कि तुम्हें प्रयास करना चाहिए कि पहले ही प्रयास में तुम एवरेस्ट पर्वत पे चढ़ जाओ, क्योंकि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास दो। कोई भी काम करो आप, तो उस काम को करने के लिए अपना 100% लगाओ, तो वह काम निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त कराएगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लोहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन लानान के बने तंबू के बेस कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तारा सिंह मेरे तंबू में थे, एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 पर लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है, मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। आगे बता रहे हैं कि 15-16 मई को जब ये लोग बेस कैंप 3 पे पहुंच गए थे, अर्धरात्रि के समय एक अच्छे सुंदर से नायलॉन के तंबू में 10 सहयोगी दल इनके साथ थे, अलग अलग तंबू कैंप में सब लोग सो रहे थे। अर्धरात्रि के समय जो है अचानक सिर के पास इनके एक बहुत सख्त चीज़ कोई आकर के टकराया, जिसके टकराने से इनकी नींद खुली और वो चीज़ इनके शरीर के ऊपर से जाती रही, एक ज़ोरदार धमाका हुआ। बछेंद्री जी बता रहे हैं कि उनके शरीर पर से वो जो कुचलती हुई भारी पदार्थ जा रहा था, उसकी वजह से इनको सांस लेने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पा रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उनका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंड बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लेखिका बता रही कि एक लंबा बर्फ का पिंड इनके कैंप के ठीक ऊपर जो डोत्से ग्लेशियर था, ग्लेशियर यानी बर्फ पिघल गई, वहाँ पे पानी हो गई और बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल पुंज वहाँ से टूट करके बहुत बड़ा हिमखंड अलग अलग टुकड़ों में बटता हुआ इनके कैंप पर आ गिरा। इतनी तेज गति थी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की भी तेज गति के साथ वह भीषण गर्जना करते हुए सीधे ढलान पर इनके कैंप को तहस नहस कर दिया। अर्थात लोग इतने भाग्यशाली थे कि इतना बड़ा पिंड गिरने के बाद व्यक्ति को चोट लगी पर किसी की मृत्यु नहीं, यह बहुत बड़ी भाग्य की बात थी। यह आश्चर्य भी था, इतना बड़ा हिमखंड गिरा लेकिन उसके गिरने के बाद भी जो है किसी को कोई चोट नहीं आई। लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल कर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। लेख क्या बता रहे हैं कि बर्फ का पिंड जो था, बर्फ के टुकड़े, बर्फ का
जमी हुई बर्फ चारों तरफ से इनको ढक ली थी, अर्थात ऐसा लग रहा था बर्फ की कब्र के नीचे यह चली गई। लेकिन लोपसांग ने अपनी एक स्विच छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया, तंबू के जो रस्सियाँ नायलन थे उसको हटाए, किसी तरह से बहुत तीव्रता के साथ फुर्ती दिखाते हुए लेखिका के पास पहुँचे और उन्हें बचाने का प्रयत्न करने लगे। खुद इनका मानना था कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसका सीधा अर्थ था मृत्यु। लोपसांग ने बड़े बड़े हिमखंडों को हटाते हुए चारों तरफ कड़े जमे बर्फ की खुदाई करते हुए बर्फ की कब्र से इन्हें बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे हम सब प्रायः कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल कुल्लन के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसी कार्य था। सुबह हुई अन्य सुरक्षा दल भी वहाँ आ पहुँचे। सुबह 8 बजे जिस शेरपा कुल्ली की टांग टूट गई थी, जिस पे बर्फ का पिंड गिरा था, उसे एक स्ट्रेचर पे लाद करके नीचे लाया गया। इनके नेता जो कर्नल कुल्लर थे उन्होंने कहा था कि इतनी ऊंचाई पर इस तरह का साहस यह बहुत ही सराहनीय काम है। सभी 9 पुरुष सदस्यों के को चोटें तथा टूटी हड्डियां आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल कुल्लर ने मेरी तरफ मुड़ कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। 10 सदस्यों का दल था जिनमें से 9 वापस चले गए, पर लेखिका एक बची थी जो भयभीत नहीं हुई। डरी थी पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं नीचे नहीं जाऊँगी। मैं जिस काम के लिए आई हूँ वह काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं वापस नहीं जा सकती। जैसे ही मैं साउथ पोल पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। आगे लेख क्या बता रहे हैं कि सुबह बचाव दल ने घायल सदस्यों को बचाया, उन्हें नीचे लेके आए, फिर इन लोगों की यात्रा आगे बढ़ी, साउथ कोल कैंप पर पहुँचे और वहाँ पर जो है लेखिका ने अपनी चढ़ाई के लिए जो महत्वपूर्ण सामान थे उसको लिया, कुकिंग गैस इत्यादि लेकर के आगे बढ़ी। जब दोपहर में बिस्सा जो इनके दल का सदस्य था वह आया, देखा कि लेखिका चाय बनाने के लिए पानी गर्म कर रही हैं। लेखिका को यह चिंता थी कि की और मीनू जो है जय इनके साथ ही यात्रा करनी है, अभी वह पीछे आ रहे हैं क्योंकि उनके पास सामान ज़्यादा है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, यानी जितनी ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन कम होता जाता है। शरीर के लिए हमें जितनी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की उतनी पर्याप्त मात्रा में मिलती नहीं है, तो हम उतनी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को गर्म चाय से भर के नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे, मुझे जिनेवा स्पेयर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा, हुआ मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। लेखिका ने सोचा कि जब मैं पहुंच गई हूं तो अपने बाकी सदस्यों को जो पीछे आ रहे हैं उनकी मदद करूं, तो उन्होंने एक थर्मस में जूस लिया और दूसरे में गर्म चाय ली और उन्होंने सोचा कि मैं नीचे जाती हूँ, चाय जूस पिलाऊँगी, उनके साथ जो सामान है थोड़ा लेकर के और उनकी मदद करूँगी ताकि जल्दी वो लोग आ जाएँ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम तंबू से बाहर रखे, हवाएं तेज चल रही थी। वह जो कैंप क्षेत्र था वहाँ पे हवा बहुत तीव्र थी, दक्षिण जो साउथ कोल था वहाँ पे हवा की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती। थोड़े से बाहर गई तो उनकी मुलाकात मीनू से हुई। उन्होंने उनको चाय जूस पिलाया। जय भी जिनेवर स्पेयर की चोटी के ठीक नीचे मिला, उसने भी चाय पी। उसने नीचे जाने से मना किया कि नीचे मत जाओ, पर उन्होंने सोचा नहीं की भी मदद करनी चाहिए। की के पास गई और उन्होंने की को चाय पिलाया। की इन्हें देख करके हक्का बक्का रह गया।
कि तुम जो है इतना बड़ा खतरा लेकर के, इतना बड़ा जोखिम लेकर के वापस क्यों आई, कि जो है लेखिका को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि इतना बड़ा रिस्क लेकर के यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुमने इतना जोखिम भरा काम किया, अर्थात खुद को खतरे में डाल के हमारे लिए जो है जूस और चाय लेकर के आई, अर्थात दुर्गम कठिनाई से पहुँचते हुए दोबारा वापस आना, दोबारा खतरे को मोल लेना, यह सब देख करके कि हक्का बक्का रह गया। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से भी मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। लेखिका ने दृढ़तापूर्वक कहा कि नहीं, मैं भी एक पर्वतारोही हूँ, बचपन से ही मैंने पर्वतों पर चढ़ना सीखा है और मैं स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, ठीक हूँ, तो फिर मुझे अपने अभियान दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। की हंसा, उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे बिना किट ले जाने नहीं दिया। की ने चाय पिया, जूस पिया, इसके बाद जो है लेखिका ने उसके सामान को उठाने की कोशिश की, पर की ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना सामान तो खुद लेकर के चलूँगी। थोड़ी बाद साउथ कोल कैंप से प्लाटू और बिस्सा हमें नीचे में उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे ही सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल पे तापमान बहुत कम होता है, न्यूनतम तापमान होता है, वनस्पतियाँ ताप और अन्य जो चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए तापमान शून्य होने की वजह से वह जो स्थान है बहुत ज़्यादा कठोरता से युक्त स्थान माना जाता है। धरती का दो, एक आर्द्र और दूसरा शुष्क, यह जो है साउथ कोल आर्द्र प्रदेश में, नमी वाले प्रदेश में माना जाता है, इसलिए यहाँ की ज़मीन कठोर है, इसलिए इसे साउथ कोल को पृथ्वी का कठोरतम स्थान भी कहा जाता है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। आगे लेख क्या बता रहे हैं कि अगले दिन जो है सुबह 4 बजे उठी, बर्फ़ को पिघलाया, चाय बनाई, बिस्किट और कुछ चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया, फिर 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी जो थे वह बाहर ही खड़े थे। उनके आसपास कोई नहीं था। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक साउथ कोल पर वापस आना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अंगदोर्जी जो थे वह दूसरी बार यात्रा कर रहे थे, पहली बार भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही यात्रा किए थे, दूसरी बार भी उनकी इच्छा थी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने की। लेकिन अंगदोर्जी चाहते थे तुरंत चढ़ाई करें, क्योंकि दिन दिन में ही जाके वापस आना, रात्र में चढ़ाई नहीं करते थे, बिना ऑक्सीजन से शरीर के में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती थी, जिससे पैर ठंडे पड़ जाते थे। उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल की चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा, उसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उनके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ ही मैं आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय साथ चलने को तैयार नहीं था। अंगदोर्जी ने लेखिका से कहा कि क्या तुम जो है मेरे साथ आगे की यात्रा तो चलोगी। लेखिका ने सोचा कि अंगदोर्जी जो बिना ऑक्सीजन की सहायता से चढ़ते हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं लेने के कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वह एक ही दिन में एवरेस्ट पर चढ़ाई करके वापस साउथ कोल में लौट आएंगे। साउथ कोल कैंप से चोटी तक जाना वापस आना एक बहुत कठिन श्रमसाध्य कार्य था। अंगदोर्जी ने अपने निर्णय के विषय में जब लेखिका को बताया तो उनके समक्ष भी वही सामने एक चुनौती लगा, लेकिन लेखिका को अंगदोर्जी के आरोहण क्षमता पर भरोसा था।
इसलिए कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन लेखिका ने उनके साथ जाने का निश्चय किया। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। उपस्कर मतलब पर्वतारोहण के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है। लेखिका ने बताया कि 6:20 पर अंगदोरजी के साथ जब यात्रा करने के निकली तो हवा उस समय चल रही थी। लेखिका अपने आप को बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए जो आवश्यक सामग्री थी उसे धारण कर ली थी और एक निश्चित गति से अंगदोरजी ऊपर चढ़ते जा रहे थे। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊँ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे इतनी शक्ति से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत से काटा जा सके। मैंने उस स्थान खतरनाक स्तरों पर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम हिमशिखर पर पहुँच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। अंगदोरजी और लेखिका ने जो बर्फ गिरे थे रास्ते पर उसे साफ किया, आगे किया था प्रारंभ की। अंगदोरजी ने लेखिका से पूछा कि क्या आप थक गई हैं, आराम करना चाहेंगी, पर लेखिका ने मना कर दिया, नहीं थके नहीं, हम आराम से आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं। तब अंगदोरजी ने बताया कि यहाँ से शिखर तक जाने के लिए अग्रिम दल जो है 4 घंटे का समय लिया था। अगर हम भी ऐसे यात्रा प्रारंभ रखेंगे तो दिन दिन में जा कर के आराम से वापस लौट आ सकते हैं। प्लाटू हमारे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो हमारे पास पहुँच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर से चढ़ाई शुरू की। प्लाटू एक नायलान की रस्सी लाया था। प्लाटू जो है लेखिका के पर्वतारोही दल का महत्वपूर्ण सहायक था, उनकी सहायता करने वाला था। जब यह लोग दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो वह भी इनके पास पहुंच गया, चाय पिलाई और फिर एक नायलान की रस्सी अपने साथ लेकर के आया था और उस रस्सी के सहारे जो है आगे की यात्रा प्रारंभ की गई। प्लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच बीच में चल रहा था। उसने अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी थी। रस्सी का जो सिरा वह पकड़ा था वह अपने सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इन लोगों का संतुलन बना रहे इसलिए रस्सी का वह सिरा पकड़ा था। प्लाटू ने ध्यान दिया कि मैं ऊंचाई के लिए सामान्य आवश्यकता 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ी थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। जब प्लाटू ने देखा कि दक्षिणी शिखर के नीचे आराम करने के बाद चाय पीकर लेखिका आगे बढ़ रही हैं तो वह सामान्यतः आवश्यकता कि भाई 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है लेकिन यह 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मीटर मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। लेकिन प्लाटू ने जैसे ही उनके सिलेंडर की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई लेखिका को आराम महसूस होने लगा। वह सपाट और कठिनाई भरे रास्ते भी उन्हें आसान लगने लगे, अच्छा लगने लगा। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। हम ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधे नीचे चला गया है। जैसा कि लेखिका ने नमचे बाजार से देखा था कि बर्फ के जो बड़े बड़े पिंड थे, सूखे भुरभुरे बर्फ एक ध्वज के समान उड़ते हुए लग रहे थे, वह उच्च शिखर पर जाने के बाद जहाँ पे हवा जो है तीव्र गति से चल रही है, बर्फ के छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, इतनी तीव्र गति से उड़ रहे हैं कि दृश्यता शून्य, सामने क्या है दिखाई नहीं दे रहा है। किसी तरह से आगे तक पहुँचे और एक देखे कि ढलान के एकदम सीधे नीचे जाना है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौधा की सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन
दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा, उन्होंने निश्चय किया कि अब लग रहा है सफलता हमारी कदम चूमेगी, अर्थात हम सफल हो गए हैं। मानो उस सफलता से इनको इतनी खुशी हुई, इनकी सांसें रुक गई। 23 मई 1984 के दिन दोपहर को 1:07 पर लेका एवरेस्ट की चोटी पर थी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, जो कि यह प्रयास पहले प्रयास में अपना सर्वोच्च 100% कोशिश करके यह सफलता प्राप्त की। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने सबसे पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थित किया। बोले जब एवरेस्ट के एकदम उच्चतम शिखर पर पहुंच गई, वहां शंकु की तरह वहां जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति खड़े हो सकें, इसलिए दो व्यक्तियों को खड़े होने के लिए जगह बनाई गई। लेखिका ने बर्फ के जो बर्फ था उसको साफ किया, फावड़े से जमी हुई बर्फ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित किया। सुरक्षा सबसे पहले प्रथम था। उसके बाद मैं घुटने के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे का ताज का चुम्बन लिया। आगे लिख क्या बता रही है कि वह जो है एवरेस्ट के उच्च शिखर पर पहुंच गई, घुटनों के बल बैठ करके एवरेस्ट पर्वत का उन्होंने सम्मान किया। और इतना ही नहीं बल्कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत, जो कि सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध था, उसका चुम्बन किया, उसको चूमा। बिना उठे मैंने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की, फिर उनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। आगे बता रही कि सागर माथा पे यानी एवरेस्ट की उच्च चोटी पर पहुंचने के बाद लेखिका ने अपने साथ जो दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा ले गई थी, उसे लाल कपड़े में बांधा, वहाँ बैठकर थोड़ी सी पूजा अर्चना की, पूजा पाठ किया, और उसके बाद जो है अपने माता पिता का स्मरण किया और उस हनुमान चालीसा और माँ दुर्गे का जो चित्र था उसे बर्फ में दफन किया, दबा दिया। जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी की वजह से ही लेखिका ने यह सफलता प्राप्त की। तो लेखिका ने उठकर के अपने रज्जू नेता यानी जो उनके साथ चल रहे थे उनके प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी ने इन्हें प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बधाई दिया। मैंने भी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदोर जी ने दूसरी बार एवरेस्ट पर्वत बिना ऑक्सीजन की सहायता से चढ़ाई की थी। लेखिका ने भी उन्हें बधाई दी, अंगदोर जी ने भी लेखिका को बधाई दी, एक दूसरे को गले लगाए। वह बड़ा ही प्रसन्नता का क्षण, खुशी का क्षण था। कुछ देर बाद सोलम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेना शुरू कर दिया। उस समय तक प्लाटून ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई दिया कि तुम्हारे इस अनूठी उपलब्धि पर सभी को प्रसन्नता है, देश को तुम्हारे इस उपलब्धि पे गर्व है। मैं तुम्हारे इस उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा और तुमने यह जो प्रयास किया है, तुमने यह जो सफलता प्राप्त की है, वह बहुत ही भाग्यशाली और आनंददायक है। अब जब तुम वापस आओगी तो तुम अपने आप को एक अलग दुनिया में पाओगी। तुमने जिस दुनिया को छोड़ा, जिस संसार को छोड़ करके एक अलग, एक भिन्न संसार में जो है तुम अपने आप को महसूस करोगे। अतः सफलता प्राप्ति के लिए जीवन में जिस तरह से लेखिका ने साहस एवं लगन मन में ठाना, मन में निश्चय किया,
इसलिए उन्हें सफलता प्राप्त हुई। लेक्का की सफलता इसका जीवंत प्रमाण है। लेक्का की एवरेस्ट यात्रा के दौरान उनके जीवन पर भी संकट आया। थोड़ी देर के लिए वह भयभीत हुई, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं लगन के कारण वह इससे बाहर नहीं निकली। जब तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, तब तक मार्ग की बाधाओं को आप नहीं हटा सकते। मार्ग की बाधाओं को हटाओ, उसको महत्व मत दो। अत्यंत आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य के साथ जुटो, तब निश्चित ही सफलता मिलेगी और सफलता हमारे चरण आकर के चूमेगी। जैसा कि लेखिका के धैर्य एवं लगन की परीक्षा पूरे अभियान के दौरान हुई थी। बार बार वो अपनी परीक्षा पर खरी उतरती रही और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही अंगदोर्जी के साथ शिखर को छूने की योजना बनाई, और उनका साहस, उनका आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि वह सर्वप्रथम भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का दर्जा प्राप्त किया, उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। इस पर्वत का नाम एवरेस्ट पर्वत क्यों पड़ा है, इसके विषय में थोड़ा सा बता देते हैं। आपने भूगोल में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन में इसको स्पष्ट कर देते हैं कि एवरेस्ट चोटी की प्रमाणिक जानकारी रिकॉर्ड करने वाले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त सर जॉर्ज एवरेस्ट को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1865 ईस्वी में 1865 में इस चोटी का नाम माउंटेन एवरेस्ट रखा गया। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पहले इसका नाम रखा था पीक 15, लेकिन बाद में इनको सम्मानित करने के लिए जो है इस पर्वत का नाम इनके नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। इस एवरेस्ट की यात्रा पे बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम चढ़ करके एवरेस्ट पर्वत पे एक कीर्तिमान स्थापित किया, देश का नाम रोशन किया। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।